जय माता दी। भक्तों, आज हम सुनेंगे कि एकादशी को चावल खाना वर्जित होता है। पुराणों के अनुसार एकादशी को चावल खाने से रेंगने वाले कीड़ों की योनि प्राप्त होती है। एकादशी का उपवास करने का तात्पर्य यह है कि भगवान विष्णु के समीप वास करना। वैसे तो रोजाना कुछ न कुछ खाते पीते ही रहते हैं, लेकिन एकादशी को बार बार नहीं खाया जाता, जिससे शरीर में भी उष्णता व्याप्त हो जाती है। चावल जो कि भगवान विष्णु को अक्षत के रूप में चढ़ाया जाता है, एकादशी को चावल भगवान विष्णु को चढ़ाना भी वर्जित होता है। लेकिन द्वादशी के दिन चावल जरूर खाना चाहिए। पुराणों के अनुसार कहते हैं कि जीवात्मा को चावल के खेत में पटका जाता है, जिससे दोष लगता है। इसीलिए एकादशी को चावल खाना निषेध है, लेकिन द्वादशी को चावल खाना जरूरी है, क्योंकि चावल में पानी की मात्रा अधिक होती है। चावल शीतल प्रकृति का माना जाता है, तथा चावल को चंद्रमा का कारक भी माना जाता है। चावल का सेवन करने से मन की चंचलता पर भी नियंत्रण लगाया जाता है। एकादशी के व्रत के दूसरे दिन चावल का पहला निवाला खाने से जितने जीव हमारे मुख में जाते हैं, उनको हमारी करी हुई एकादशी का भाग मिल जाता है, जिससे उनकी सदगति हो जाती है तथा उनका फिर जन्म नहीं होता है। इसीलिए एकादशी के दूसरे दिन व्रत रखें या नहीं, पर चावल जरूर खाना चाहिए, जिससे पुण्यों की प्राप्ति हो। द्वादशी को चावल खाने वाला व्यक्ति मान सम्मान तथा पुण्य फलों का भागी होता है, और उसके घर में अच्छी जीव आत्माएं जन्म लेकर आती हैं। द्वादशी तिथि को भगवान को भी चावल जरूर चढ़ाने चाहिए। बहुत से व्रती प्राणी एकादशी के दूसरे दिन ब्राह्मण भोजन कराते हैं तथा मंदिर आदि में सीधा वगैरह देते हैं, तो उसमें चावल अवश्य खिलाने चाहिए तथा देने चाहिए। इस दिन चावल का दान भी अत्यंत शुभ माना गया है। चावल में पानी की मात्रा अधिक होने के कारण एक दिन पहले जो एकादशी का व्रत करने से शरीर में जो पानी की कमी हो जाती है, उसको भी चावल के प्रयोग से पूरा किया जा सकता है। इसीलिए एकादशी के व्रत के दूसरे दिन चावल खाना अत्यंत ही जरूरी है। तो भक्तों, हमारी यह कहानी या जानकारी आप सभी को कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। जय माता दी।